हरियाणा की दो सीटों से दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं को राज्यसभा भेजकर भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। वहीं भाजपा की निगाह गैर जाट मतदाताओं के साथ साथ उनमें भी दलित पिछड़े वर्ग पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कैबिनेट में दलित वर्ग से एक और पिछड़े वर्ग से दो मंत्री भी हैं, जिसे भाजपा बुलाना चाहेगी। इसके पीछे कारण यह भी खास है कि कांग्रेस ने दलित समुदाय का प्रतिनिधि करने वाली कुमारी शैलजा का टिकट काटकर भाजपा को उनकी हमदर्द होने का मौका दिया। वहीं ऐसे चेहरों पर भाजपा ने दाव खेला जो जमीन से जुड़े हुए हैं और संगठन की भी राजनीति करते हैं। बावजूद उसके भाजपा में राज्यसभा के लिए आधा से ज़्यादा दर्जन प्रबल दावेदार थे, लेकिन भाजपा ने अचानक पिछड़े वर्ग से बड़े नेता रामचंद्र जांगड़ा को अचानक मैदान में उतारकर ऐसा दाव खेला कि कोई चाहकर भी कोई विरोध नहीं कर सका। वहीं दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहे दुष्यंत कुमार गौतम को वीरेंद्र के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर 2 साल की राज्यसभा में लिए भेजा है। वहीं नियमित सीट पर रामचंद्र जांगड़ा को 6 साल के लिए राज्यसभा पहुंचाया। वहीं भाजपा ने यह दाव खेलकर कांग्रेस को बैकफुट पर लाने का प्रयास किया। भाजपा संगठन को पता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास मौजूदा विधायकों का समर्थन है, जिसको लेकर वह अपने बेटे को राज्यसभा के लिए हाईकमान पर दबाव बनाएंगे। जैसा सोचा वैसा ही हुआ, जिसको लेकर हरियाणा कांग्रेस पिछड़े वर्ग से पिछड़ती नजर आई, लेकिन भाजपा ने इसे कैश करने का कोई मौका नहीं चूका। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि कांग्रेस ने पहले डॉक्टर अशोक तंवर के रूप में रविदास ही समाज की पार्टी से अपेक्षित किया, वहीं दूसरी बार कुमारी शैलजा की अनदेखी की गई। हालांकि हुड्डा गुट की दलील है, यदि शैलजा को टिकट मिलता तो भाजपा क्रॉस वोट करा सकती थी, लेकिन दीपेंद्र के चुनाव लड़ने की वजह से भाजपा ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन भाजपा इसके ठीक विपरीत कांग्रेस पर दलित और पिछड़े वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाते हुए भविष्य में पिछड़े वर्ग की तरफ से अपनी मजबूत पकड़ बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि प्रदेश की 17 आरक्षित विधानसभा सीटों में से भाजपा को मात्र 2 सीटें रविदास समाज की मिली थी, जबकि कांग्रेस में दर्जन भर जाट व रविदास आधा दर्जन विधायक रविदास से हैं। ऐसे में भाजपा का फोकस दलित का भरोसा जीतने पर ज़्यादा रहा है। इसे पार्टी अब कैश करने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। इस रणनीति पर कांग्रेस संगठन व विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे भाजपा रूपी चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। गांव की सरकार ने क्या काम किए पूरे, या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे? क्या सरकार की योजनाएं गाँव में हो रही है पूरी, या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे? गांव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम। जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम सुनाओ सरपंच साहब।